वैसे तुमने ना बहुत गलत जगह हाथ रखा, पर कोई बात नहीं, मेरे तो अच्छा ही हुआ, इसलिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ। अच्छा, तुम्हारे लिए ये कैसे अच्छा है? तुम्हें याद होगा ना, आरवी और मेरा इससे पहले भी झगड़ा हो गया था और मैं घर छोड़कर भाग गई थी। पूरी मीडिया ने कहा था कि आरवी की पत्नी उसे छोड़कर भाग गई, पर सच तो ये है मैं आरवी को कब से छोड़ना चाह रही थी। हाँ, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, इतनी बुरी फंस गई थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर तुम आई और तुम्हारे और आरवी के बीच में जो भी हुआ, सच और झूठ, तुम तो मेरी सेवियर बन गई, बचा लिया यार तुमने मुझे। और ये तुम्हारा पूरा कांड ना मेरे लिए डूबते हुए तिनके जैसा हो गया, तो अब तो मैं तुम्हें और आरवी को नहीं छोड़ूंगी, अब तो मैं अपना बदला पूरा करूंगी, अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी। तुम चाहो या ना चाहो, वैसे भी अब तो पूरा मीडिया तुम्हारे खिलाफ हो गया, पूरी प्रेस तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो आई डोंट थिंक तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन बचता है, तुम्हें तो आरवी से शादी करनी पड़ेगी। एक दिन, बस एक दिन है तुम्हारे पास, वरना मैं खुद मंडप सजा के तुम्हारा ये हाथ खींच के तुम्हें वहां लेकर जाऊंगी। वॉच है तुम्हारे पास? तुमने तो पहनी नहीं। ओ, फोन है हमारे पास, फेस लॉक। एक दिन मतलब 24 घंटे, ये रखो अपने पास। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगा। मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूं और इस नेत्रा की शादी आरवी के साथ करवा रही हूं। मैं आरवी को कब से छोड़ना चाह रही थी, पर वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा था, इतनी बुरी फंस गई थी ना कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब तो मैं तुम्हारी और आरवी की शादी करवा के रहूंगी।